सागर शहर वासियों को एक ओर कोरोना वायरस से बचाव और सावधानियों के बारे में निकाय आयुक्त ने सुझाव दिए, तो वहीं दूसरी ओर शहर के विभिन्न भागों में फैली गंदगी और पानी निकास न होने के कारण बीमारियां फैल रही हैं, इसका भी निरीक्षण किया गया, जिससे कई जगह बाढ़ वासियों में रोष व्याप्त था कि सफाई कर्मचारियों द्वारा अंदर गलियों में सफाई नहीं होती है और नालियाँ जाम हैं, जिसके कारण घरों में पानी भर रहा है और मच्छर पनप रहे हैं, जिसको निगम आयुक्त ने मौके पर ही सफाई कर्मचारियों को निर्देशित किया। वहीं मौके पर लोगों ने बताया कि सीवरेज लाइन का काम सही तरीके से नहीं किया गया, जिससे लाइन फूट गई और पानी गंदा सड़कों पर फैल रहा है। वहीं दूसरी ओर पशुपालन करने वाले भी परेशानी का एक कारण बने हुए हैं, जिनके द्वारा गोबर को नालियों में फेंका जा रहा है, जिसमें मच्छर पनपते हैं। वहीं निगम प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। महिलाओं के द्वारा शहर में पीने के पानी की पाइपलाइन कई जगहों पर फूटी होने से नालियों की गंदगी घरों में पानी में पहुंच रही है। निगम आयुक्त ने गंभीरता से समस्या निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सफाई वाले आते हैं अम्मा? सफाई वाले कोई नहीं आते थे। अरे यार महीना दो महीना, एक दिन छोड़ एक दिन कचरा गाड़ी आ। सागर से यूडी न्यूज के लिए वीरेंद्र भौरे की रिपोर्ट।